आल ऑपरेटर इतिहाद के बानी ने गैंती यूनियन में शमूलियत का ऐलान किया है। आइए हम इनसे भी बात करते हैं। जी बताइए, कैसा फील हो रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम गैंती यूनियन को शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें अपने इस काफ़िले में शामिल किया। हमारा ताल्लुक ऑपरेटर कम्युनिटी से है। हम आल ऑपरेटर इत्तेहाद वासा का एक हमारा ग्रुप है जो ऑपरेटर पर है। तमाम लाहौर के ऑपरेटर्स जो हैं उसके मेंबर हैं तकरीबन, और हम पिछले 2 से 4 साल से ऑपरेटर स्ट्रगल में मशगूल हैं। असल में हमारे साथ मसला ये आया है कि गुज़िश्ता 30 साल से ऑपरेटर का कोई भी मसला हल नहीं हो सका है। अलबत्ता जो ऑपरेटर के एलिवेशन के जो रूल हैं उनको तब्दील कर दिया गया है। ऑपरेटर की जो भर्ती होने की तलीम थी इब्तदाई, वो हशतम जमात थी, यानी कि मिडिल पास थी, जिसको बढ़ाकर अब मैट्रिक कर दिया गया है। लेकिन इसके स्केल को नहीं बढ़ाया गया, इसका स्केल वहीं पर रखा गया है। हमें अशद ज़रूरत है। वासा में ऑपरेटर क्लास वो वाहद क्लास है जिसके पास कहीं से कोई पैसा नहीं आता, यानी कि ना वो फील्ड में जाते हैं, ना उनके पास कोई ऐसा सोर्स है कि उनको उनकी तनख्वाह के अलावा से कहीं से पैसे आएँ। तो इनके पास जो इनकी मंथली इनकम है उसमें इजाफे के 2-3 ही काम हैं। अगर वो हो जाएँ तो इनका घरों का चूल्हा बड़े आराम से जल सकता है। जैसे सपोर्ट अलाउंस है, हमारे VC साहब की मेहरबानी से, अफजाल शेर साहब की मेहरबानी से, इनकी काविशों से जो हमें सपोर्ट अलाउंस मिला, अभी वो हमें 50% मिल रहा है। और इंशाल्लाह गैंती यूनियन ने तमाम वासा के मज़दूरों को ये यकीन दिलाया है कि वो इस 50% अलाउंस को इंशाल्लाह इलेक्शन से पहले 100% कर देंगे। तो इससे हमारी जो तनख्वाहें हैं वो बढ़ेंगी, और जो हमारे अखराजात हैं, जो ज़्यादा अखराजात हैं उसमें कमी आएगी, और इनकम जब बढ़ेगी तो फिर हमारे हालात भी बेहतर होंगे। हमारे बच्चों का इलाज, मुआवजा, तलीम वगैरह, इसको हम बड़ी आसानी से सरंजाम दे सकते हैं। ऑपरेटर मसाइल पिछले 30 साल से जूं के तूं हैं। मुख्तलिफ यूनियंस आईं, ऑपरेटर का मैंडेट लिया, ऑपरेटर को गेम चेंजर कह के विन किया इलेक्शन को, और फिर ऑपरेटर को भूल गए। किसी ने 72 घंटे का लारा लगाया, किसी ने हमारा GP फंड बंद करवाया, किसी ने हमारा ओवरटाइम ख़त्म करवाया, कोई हमारी स्केल प्रमोशन के अंदर रुकावट बना। तमाम लोगों ने ऑपरेटर के मसाइल को इसलिए मसाइल ही रहने दिया कि अगर इनके मसले हल हो गए तो हम सियासत कहाँ से करेंगे अपने यूनियन की। तो जो स्केप गॉड बनाया गया है ना इस पूरे वासा में, वो सिर्फ़ और सिर्फ टूवल ऑपरेटर को बनाया गया है। वो टूवल ऑपरेटर साहिबान हैं जिनको हमेशा से स्केप गॉड बनाया गया है, किसी चेकिंग की सूरत में, किसी वोटिंग की सूरत में। तो हमारी बड़े अरसा दराज से ये ख्वाहिश थी हमारे आल ऑपरेटर इत्तेहाद की, ये एक गैर जानबदार ग्रुप है, इसका किसी यूनियन से कोई ताल्लुक नहीं है। हमने कल रात मीटिंग करके इतफाक़ राय से, अक्सरियत राय से हमने ये फ़ैसला किया कि कौन सा कारवा है जो ऑपरेटर की आवाज़ उठा रहा है। तो वो हमें एक ही कारवा, एक ही लीडर नज़र आया, वो था अफजाल शेर और गैंती यूनियन। इन्होंने इब्तदाई जब गैंती यूनियन अभी रजिस्टर्ड हुई है, ये तब से ले कर आज तक हर जगह पर, हर फोरम पर ऑपरेटर मसाइल को उजागर किए हुए हैं, और सिंसियर हैं कि हम ऑपरेटर मसाइल जो हैं इंशाल्लाह हल करेंगे। जी आप ऑपरेटर इत्तेहाद वाले हैं, तो आपको क्या गैंती यूनियन वालों ने लालच दिया है, कोई ओहदा दिया या पैसे दिए हैं, या फिर आपने उनके मंशूर को देखकर इनकी हमायत का ऐलान किया? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शहजाद मलिक है और मैं वासा में ट्यूबल ऑपरेटर की जॉब करता हूँ, और पिछले 30 साल से मैं ट्यूबल ऑपरेटर हूँ। और हमारे तमाम जो दूसरे अदारे हैं उन्होंने हर स्केल 5 दिया हुआ है मैट्रिक पास को। तो जब हम लोग भर्ती हुए तो उस वक़्त इसमें मिडिल तालीम थी। अब JPO राज जो अभी इन्होंने रिसेंटली अपॉइंट किए हैं, वो स्केल उनका 1-2 है, लेकिन तालीम उनकी मैट्रिक है। जबकि पंजाब पुलिस में मैट्रिक पास पुलिस वाले स्केल 5 ले रहे हैं, और सेक्रेटरीट में भी जो छोटे अदारे तबके पे काम कर रहे हैं उनको भी बाकायदा स्केल 5 दिया हुआ है। तो हमारी सबसे पहले ये ख्वाहिश है कि वासा में ट्यूबल ऑपरेटर्स मैट्रिक पास हैं और उनको स्केल 5 दिया जाए,
और इसके साथ साथ हमारे ओवर टाइम और हमारा जो ख़तरा अलाउंस है उसको भी फिक्स किया जाए। ये तमाम वो मसाइल हैं ऑपरेटर के जिनको हल करने का गेंती यूनियन ने बेड़ा उठाया है और हमने भरपूर हमायत गेंती यूनियन की है, बजरिया इलेक्शन की है, ऑल ऑपरेटर इत्तेहाद ने अपनी वोटिंग करवाई। आप वासा में आपका उदा क्या है? मैं एक वर्कमैन हूँ। और आप पहले किसको वोट देते आ रहे? पहले फुल यूनियन के साथ 14 साल चला हूँ मैं, उसने कोई काम नहीं किया, जो काम किए भी है तो उनने अपने मफाद वास्ते किए हैं, मजदूर का कोई काम नहीं किया। ये निशान देखा, शेख साहब आए, इसके साथ जो साथी थे वो हमारे पास आए, पाली वाले तालाब है सिटी, इन्होंने हमारे से बात की, हमें उनने पैसे दिए हैं या किसी धमकी से नहीं, हम दिली इसके साथ है क्योंकि पहले ही गेंती यूनियन मियां सलाउद्दीन की मजदूर का साथी था, उसी निशान को देखते हुए हमने इन पर भी पूरा भरोसा किया कि ये। अच्छा, आप उम्मीद करते हैं कि गेंती यूनियन आपके मसाइल को हल करेगी? करेगी इंशाल्लाह, करेगी। आपका वासा में उदा क्या है? सीवरमैन जी। सीवरमैन के जो मसाइल हैं वो असल में है क्या? सीवरमैन के मसाइल बहुत हैं, अगर सोचा जाए तो मसाइल ख़त्म नहीं होते। तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि गेंती यूनियन आपके मसाइल को हल करेगी? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, सीवरमैन इत्तेहाद और वासा ऑपरेटर इत्तेहाद वालों ने गेंती यूनियन को फुल सपोर्ट की है और उम्मीद कर रहे हैं कि गेंती यूनियन हमारे मजदूरों के मसाइल को हल करेगी। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, मिर्ज़ा वैसली जलाल को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।